नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं शिवपाल कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड मेडिसिन कंसल्टेंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। यह दिवस 1933 में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यह दिवस कैंसर के प्रति जागरूकता को बढ़ाता है। आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। तो कैंसर होता क्या है, कैंसर किन कारणों से होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसको क्या ठीक किया जा सकता है या नहीं, तो आज हम इस वीडियो में आपको डीपली जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंसर के बारे में। तो हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं होती हैं जो अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं और ये धीरे धीरे कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं, या इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, अनवांटेड एंड अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। क्या होता है, हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं और ये कैंसर बना लेती हैं। तो ये क्यों बढ़ती हैं, उसका कुछ कारण है, उसके कुछ कारण हैं वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ी देर में। कैंसर सैकड़ों प्रकार के होते हैं जो अनकंट्रोल्ड होते हैं, जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ कैंसर होते हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है और शुरुआती स्टेज में है तब तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो कुछ कॉमन कैंसर हैं जैसे माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर यानी गले का कैंसर, लंग्स कैंसर इसको बोलते हैं, फेफड़ों का कैंसर, स्टोमक कैंसर, पेट का कैंसर इसको बोलते हैं, कोलन का कैंसर, एक कोलन एक हमारी आंत होती है उसका ये कैंसर होता है, किडनी का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर और बहुत सारे कैंसर होते हैं। तो ये किन कारणों से होते हैं, तो इसके कारणों की बात करते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक। जेनेटिक कारण होता है, जीन्स में म्यूटेशन अगर हो जाए तो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। दूसरा होता है धूम्रपान। धूम्रपान जैसे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि का उपयोग करना, इससे भी बहुत ज़्यादा माउथ के कैंसर होते हैं, मुंह के कैंसर होते हैं और फेफड़ों से संबंधित कैंसर होते हैं। तीसरा होता है वातावरण का दूषित होना। एनवायरनमेंट में बहुत सारे केमिकल्स, धूल, डस्ट, पता नहीं क्या क्या है, तो उनकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट आता है रेडिएशन। रेडिएशन से भी बहुत ज़्यादा कैंसर होते हैं। रेडिएशन किसी मशीनरी की हो सकती है या सनलाइट से भी, कभी कभार जो ख़तरनाक रेडिएशन होती हैं उनसे भी कैंसर हो जाता है, और कुछ केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से भी कैंसर होता है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण की। तो क्या क्या लक्षण हैं इसका। सबसे पहला लक्षण होता है ब्लीडिंग। इसमें होता है रक्तस्राव, लंबे समय तक खांसी आना, शरीर में गांठें पड़ना, वजन कम होना, थकावट महसूस होना, ये कुछ इसके लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जो स्पेशली कैंसर में काम करती हैं, लेकिन अगर ये शुरुआती स्टेज में है तो तब तो इसको ठीक किया जा सकता है या तो मेडिसिन से या सर्जरी से, लेकिन अगर ये क्रोनिक स्टेज में पहुँच गया है तो इस पर ना तो कोई मेडिसिन काम करती है ना कोई सर्जरी, तो इसलिए इसको जानलेवा बीमारी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।